हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपर्क ऐप के 24.0 जो न्यू अपडेट आया हुआ है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की डेली उपस्थिति की फ़ोटो के साथ साथ दो और प्रतिदिन के महत्वपूर्ण कार्यों को जोड़ा गया है, जिनको आप सभी बहनों को प्रतिदिन पूर्ण करना अति आवश्यक है, जिसमें कार्यकर्ता की उपस्थिति के बाद आपको सहायक की भी उपस्थिति लगानी होगी। आपको यहाँ पर पेज दिखाई दे रहे होंगे जो न्यू फीचर्स बनाए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो पहला पेज कार्यकर्ता की उपस्थिति के लिए है, दूसरा है सहायिका की। तो दूसरे जो ऑप्शन है इसमें हमें सहायिका की उपस्थिति भी लगानी होगी, इसके साथ नाश्ते एवं भोजन की भी एंट्री करनी होगी प्रतिदिन की। तो नाश्ते की फ़ोटो भी क्लिक करनी होगी और नाश्ते के टाइम जितने बच्चे उपस्थित हुई उसकी भी संख्या यहाँ पर भरनी होगी, एवं भोजन की फ़ोटो एवं भोजन की बच्चों की लाभार्थियों की संख्या इसमें भरनी होगी। तो इन सभी तीनों ऑप्शंस पर किस प्रकार से आपको कार्य करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप सभी बहनें वीडियो में आखिर तक बनी रहें, एवं चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने संपर्क ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो आपको अपडेट कर लेना है यहीं से और इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा यदि आपने अपडेट कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस आ चुके हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कार्यकर्ता की उपस्थिति के लिए, दूसरा है सहायिका की उपस्थिति के लिए, और तीसरा है नाश्ता भोजन की जानकारी। तो हम यहाँ पर तीनों ऑप्शंस के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे कार्यकर्ता की उपस्थिति के लिए और भी वीडियो बना दिए गए हैं, तो आप सभी बहनें अन्य वीडियो भी देख सकती हैं, लेकिन इसमें भी बता देती हूँ मैं फिर से। तो कार्यकर्ता की उपस्थिति लगाने के लिए आपको कार्यकर्ता के रेड वाले बॉक्स को क्लिक करना होगा प्लस के आइकन पर। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आपकी उपस्थिति का समय यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर लोकेशन ओपन हो जाती है, तो आपका ग्राम या वार्ड है उसकी लोकेशन यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद आपको इस वाले आइकन को क्लिक कर देना है ग्रीन। इसमें आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपका GPS या लोकेशन ऑन होनी चाहिए, यदि ऑन नहीं होगी तो आपकी फ़ोटो कैप्चर नहीं होगी। तो आपको ऑन कर लेना है, यदि आपकी GPS ऑन नहीं है तो आपको ऑन कर लेना है और फिर फ़ोटो क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेल्फी मोड में कैमरा ओपन होता है, तो आपको फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, फ़ोटो खींचे एवं सुरक्षित करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ी ही देर में फ़ोटो क्लिक हो गई है, देखिए यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे रिटेक सेल्फी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है यदि आपकी फ़ोटो सही नहीं खींची है तो, और यदि सही खींची है तो आपको डायरेक्टली नीचे सुरक्षित वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से फ़ोटो सुरक्षित हो जाएगी। तो यहाँ पर नोट आ जाता है, यदि आप घर से उपस्थिति लगाती हैं तो इस तरह से नोट आ जाता है, और आंगनबाड़ी केंद्र से लगाती हैं तो नहीं आता है, लेकिन कुछ बहनों के लिए आता है यह ऑप्शन। आंगनबाड़ी केंद्र से भी फोटो खींचती हैं तब भी। तो इसके लिए आपको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की लोकेशन को अपडेट कर देना है आंगनबाड़ी केंद्र से, तो आपके इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आंगनबाड़ी केंद्र से उपस्थिति लगाना भूल गई, या फिर ग्रह भेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सुरक्षित कर देते हैं। तो देखिए फोटो इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद है दूसरा कार्य सहायिका की उपस्थिति, तो सहायिका की उपस्थिति वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है एक्टिविटी अगले अपडेट के बाद खुलेगी, मतलब यहाँ पर सहायिका की जो जानकारी उपस्थिति है वो अगले अपडेट आने के बाद हमें भरनी होगी, अभी यह ओपन नहीं हो रहा है तो यह कार्य अभी नहीं करना है। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, तीसरा कार्य है नाश्ता भोजन की जानकारी, तो इसको क्लिक कर देना है। तो यह पेज ओपन हो रहा है, तो इसमें हमें कार्य करना होगा। तो दैनिक ट्रैकिंग गतिविधि है यह है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर वाले बॉक्स में नाश्ता दिया गया, तो इसकी जानकारी भरनी होगी, और नीचे वाले बॉक्स में भोजन की जानकारी भरनी होगी। तो हमें प्लस वाले आइकन को क्लिक कर देना है नाश्ते के लिए।
जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरह से लिखा आता है क्या नाश्ता प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम हाँ पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही हम हाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है, और यदि नहीं पर करके सुरक्षित कर देंगे तो सीधा सुरक्षित हो जाएगा। यदि हम हाँ पर क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, तो हमें फ़ोटो क्लिक कर लेना है। ध्यान रहे, आप यदि चाहें तो बच्चों की संख्या सिर्फ भर के सुरक्षित करेंगी तो नहीं होगा, फ़ोटो भी खींचनी पड़ेगी। तीनों चीज़ें यहाँ पर अनिवार्य हैं। जैसे तो चलिए हम फोटो कैमरे वाले आइकन को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद कैमरा ओपन हो जाता है, तो आप फोटो क्लिक कर लेनी है। तो देखिए फोटो कैप्चर हो चुकी है। इसी प्रकार आपको आंगनबाड़ी केंद्र से फोटो क्लिक करना है, नाश्ते के टाइम पर नाश्ते की, भोजन के टाइम पर भोजन की। तो आपके यहाँ पर समय जो है, जिस समय आप फोटो क्लिक करेंगे तो वही समय यहाँ पर स्वतः ही आ जाएगा, वह आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नाश्ते की गुणवत्ता आपको यहाँ पर डालना होगी। तो यहाँ पर अच्छा पर अच्छा या ख़राब, तो इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके जितने बच्चे नाश्ते के टाइम उपस्थित हुए तो उन बच्चों की संख्या भर देना है। इसके बाद सुरक्षित कर देना है। जैसे ही सुरक्षित करते हैं तो इस तरह से फिर आ जाता है नोट, क्या आप सुरक्षित करना चाहते हैं, कृपया जांच लें, सुरक्षित होने के बाद संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो देखिए रिक्वेस्ट प्रोसेस की जा रही है, कृपया प्रतीक्षा करें। तो देखिए जैसे ही नाश्ते का रिकॉर्ड भर जाएगा तो यहाँ पर समय आ जाएगा और यहाँ पर ग्रीन राइट का निशान आ जाएगा। इसके बाद अब हम भोजन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या भोजन प्राप्त हुआ, तो इस पर हाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से कैमरा ओपन कर लेना है और भोजन के टाइम की फोटो आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शंस पर आपको कार्य कर लेना है। यहाँ पर भी देखिए भोजन एवं नाश्ते का समय आ जाता है और यहाँ पर भी ग्रीन रंग से टिक लग गया है। तो इसी तरह आपको यह जानकारी प्रतिदिन भरना है। तो इसी प्रकार आपको इन तीनों ऑप्शंस पर प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र का महत्वपूर्ण कार्य करना है। तो आज की वीडियो में बहनों बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं एवं वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर अवश्य करें। बहुत